नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं छावनी अनाज मंडी में और अब की बार अनाज मंडी में जो आवक है वो डॉलर चने की लगातार बढ़ रही है। डॉलर जो है वो तेजी से मंडी में आ रहा है, यही कारण है कि अब जो दाम है डॉलर के वो भी धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं जो डॉलर चने लेकर के आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश बछानिया है। कहाँ से आए? हम देवास जिले से बागली तहसील ग्राम रतनपुर से आए हैं। क्या लेके आए? हम डॉलर चने लेके आए हैं। कौन सी वैरायटी का चना है? काबुली चने हैं डॉलर। क्या भाव गया आज? आज शायद पता चला है कि अभी 1300 गए हैं, 13000 रुपये कुंटल। नीचे में कितना गया? नीचे में 9-9.5 के आसपास। कल कितना गया था? कल था हाईएस्ट, थोड़ा सा 13000 कुंटल था शायद, 13 गया। जैसे जैसे आवक बढ़ रही दाम कम हो रहे? हाँ, कम हो रहा है। आने वाले समय में संभावना है कि और कम होंगे या बढ़ेंगे? शायद कम होंगे, अभी आवक और भी किसानों के चने निकले नहीं है पूरे। कहाँ से चने आता है मंडी में अपने यहाँ डॉलर? हमारे देवास जिले से भी आता है, खरगोन से भी आता है, खंडवा वगैरह से भी आता है। आज कितने गाड़ी माल आया होगा? आज का ये अनुमानित नहीं पता मुझे कितना है। अच्छा, और अपन ने कितने बीघा में बोया था? हमारे तो यूँ 70 बीघा में बोया है, पर अभी कुछ जो निकला है वो लेके आए हैं। कितना निकला है अभी उत्पादन? अभी तो कम बेटा है इस बार तो। क्या नाम है? जितेंद्र पाटीदार। क्या लेके आए? चने, विशाल चने डॉलर। विशाल चना क्या भाव गया आज? विशाल चना अभी गया है 5200 से 5600 तक। 5200 से 5600? हाँ, हमारे 5405 के बिके हैं। कौन सी क्वालिटी का था अपने? विशाल मीडियम क्वालिटी। अच्छा, कितने बीघा में बोया था अपने? ये तो अभी तो कम 1 एकड़ का आया है। अच्छा, उत्पादन कितना आया? उत्पादन कभी 5-6 क्विंटल। आने वाले समय में भाव बढ़ेंगे चने के? भाव को तो क्या पाएंगे, आवक के हिसाब से तो कम होना चाहिए। अब आवक तो बहुत ज्यादा है, अभी शुरू हुई है आवक। हाँ, अभी भी। अच्छा, अब की बार है संभावना कि फायदा मिल जाएगा? हाँ, है तो सही। भाव में तो नहीं मिलेगा, पर खेती तो अच्छी दे रही है एकड़ के मान से हिसाब से। फसल अच्छी हो रही है, पर भाव नहीं मिल रहा ना। आपका नाम क्या? जितेंद्र पाटीदार। चने लेकर के आए हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि कौन सी वैरायटी का चना है और क्या कुछ दाम आज मंडी में इसके लगे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? पंडू। क्या लेके आए आज? चने। कौन से चने लेके आए? डॉलर। अच्छा, क्या भाव गया आज? आज 10,000। 10,000 जाएगा और लगातार दाम गिर रहा है इसके। कितने बीघा में बोया था अपन ने? 3 बीघा। अच्छा, और उत्पादन कितने बीघा में आया? अभी 3.5 में आए। 3.5 में आया। अच्छा, आने वाले समय में अब डॉलर लगातार आएगा मंडी में तो भाव गिरेंगे इसके? गिरेंगे। अच्छा, अभी भाव जो है अभी ठीक मिल रहे हैं कि अभी भी कम मिल रहे हैं? कम होगा नहीं, अभी कम हो गए। समय के साथ भाव कम हो गए डॉलर चने के, बता रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी का चना मतलब डॉलर चना है, आप देख सकते हैं मेरे हाथों में, ये लेकर के आए हैं दादा यहाँ पर। और भी किसान है, उनसे भी सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सेवकरा। क्या लेके आए हैं? डॉलर चने। कौन सी वैरायटी का चना है? वैरायटी तो मालूम नहीं, डॉलर बोलते हैं। अच्छा, कितनी बोरी लेके आए? लाया 25 बोरी। अच्छा, आज क्या भाव रहने की संभावना है? 10-11 हजार के गए। अच्छा, कम हो रहे हैं लगातार दाम? कम हो रहे हैं। अच्छा, कम होने से हमको नुकसान मिल रहा होगा, उत्पादन भी कम हुआ है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। अच्छा, उत्पादन पे क्या मौसम की मार, मौसम का असर कुछ? हाँ, मौसम का पानी आ गया था उसमें। अच्छा, इसके कारण जो है फर्क पड़ा है। अच्छा, आने वाले समय में अब अलग अलग जिलों से आवक और भी तेजी से आएगी, तो उसका भी कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, दाम हमारे लगातार जो है वो गिरते चले जाएंगे ना। अच्छा, और अलग अलग वैरायटी के हिसाब से दाम तय होते हैं मंडी में? सब एक ही बिकते हैं, वैरायटी से नहीं बिकते हैं। वो तो मौसमी अलग आते हैं, चने सब अलग अलग आते हैं ना, छोटे बड़े, इनका एक ही भाव रहता है ना। कितने बीघा में अपन ने बोया था? अपन ने ये बोए थे 6 एकड़ में। अच्छा, और उत्पादन हमको कितने एकड़ में आया? ये 25 बोरी निकले 6 एकड़ में। और क्या? अच्छा, तो देखिए और भी किसान हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? आगे आइए ना थोड़ा सा। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या लेके आए? डॉलर। अच्छा, कौन से गांव से आए? सालीगढ़ा। कितने बोरी लाए? 17 बोरी। ये 17 बोरी निकली। अच्छा, 17 कट्टा है। आज क्या दाम रहने की संभावना है? आज क्या दाम रहने की संभावना मंडी में? क्या मान, क्या 10-11 चल रहा है। अच्छा, कल क्या दाम गया था? कल 9,000 से 11-10 कल भी चला। अच्छा, नुकसान हो रहा है लगातार दाम गिर रहा है? हाँ, नुकसान हो रहा है। 14,000 तक बिका पहले चना। अच्छा, कितने बीघा में बोया था हमने चना? ये 75 किलो है, 2.5 बीघा में। 2.5 बीघा में मौसम का कोई असर पड़ा आपकी? पड़ा ना। अच्छा,
उत्पादन कम आया होगा? कम आया ना। अच्छा, अब आने वाले समय में और भी अलग अलग जगह से आएगा चना, तो फिर दाम और कम होगा। हाँ। आज कितने आया होगा चना मंडी में अपने? आज आएंगे यार 250 मान आया नहीं है बस। अच्छा, कल अब, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आवक बढ़ेगी। हाँ। चले तो ये हमारे साथ डॉलर के जो किसान थे वो थे जो डॉलर चना लेकर के मंडी में आए हैं। स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि अब की बार उत्पादन भी कम हुआ और उसके बाद अब जब ये डॉलर चना लेकर मंडी में आ रहे हैं तो दाम भी कहीं ना कहीं लगातार कम मिल रहे हैं। आने वाले समय में और डॉलर जो है वो अलग अलग जिलों से इंदौर पहुंचेगा, इंदौर के मंडी में पहुंचेगा, डॉलर की आवक जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और दाम में भी जो है गिरावट दर्ज की जा सकती है। इंदौर की छावनी अनाज मंडी से नमन मटके।